नमस्कार दोस्तों, बारिश रुकने के बाद 10-10 ओवर का मैच हुआ और इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से धो दिया है। पहले भुवनेश्वर कुमार और फिर मोहम्मद शमी ने अपने गेंदबाजी से कमाल ही कर दिया है। वहीं फिर अंत में विराट कोहली और हार्दिक पांडे का तूफान भी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बारिश के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला मुकाबला देर से शुरू हुआ और बारिश रुकने के बाद ये डिसाइड हुआ कि 10-10 ओवर का मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टॉस हारकर पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड की बेहद ही खराब शुरुआत रही। सलामी बल्लेबाज फिन एलन महज एक रन बनाकर मोहम्मद शमी का शिकार हो गए। हालांकि इसके बाद मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन ने धाकड़ बैटिंग करते हुए 50 रन जोड़े। मार्टिन गप्टिल 13 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए, उन्हें भी मोहम्मद शमी ने आउट किया। लेकिन केन विलियमसन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और 8 तक के बाद भी टिके रहे। वहीं फिर उन्हें ग्लेन फिलिप्स का भी अच्छा साथ मिला। दोनों जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टीम का स्कोर 10 ओवर में ही 120 के पार चला जाएगा, क्योंकि 7वें ओवर में ही न्यूजीलैंड का स्कोर 80 रन तक पहुंच गया था। हालांकि फिर अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी की। पहले भुवि ने सेट बल्लेबाज केन विलियमसन को आउट किया, जिन्होंने 47 रनों की पारी खेली। इसके बाद भुवि ने इस ओवर में 2 विकेट झटके और टीम की मैच में शानदार वापसी कराई। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड 110 से भी ज्यादा रन बना लेगी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने यह होने नहीं दिया। इस तरह पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेट खोकर 97 रन बना लिए थे। भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। दोस्तों, इसके बाद 98 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करने उतरे। हालांकि टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। एडम मिलने ने पहले ही ओवर में भारत को बड़ा झटका दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया और राहुल खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत, वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए और दूसरे ओवर में ही उन्हें लॉकी फर्ग्यूसन ने आउट कर दिया। 5 रन के स्कोर पर ही भारत के 2 विकेट गिर चुके थे और टीम बेहद ही दबाव में आ गई थी। अब यहां पर सबको उम्मीद थी कि इनफॉर्म बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आएंगे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम को दबाव से निकालेंगे, लेकिन भारतीय टीम ने सभी को चौंकाते हुए 4थे नंबर पर विराट कोहली को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। कोहली ने भी निराश नहीं किया और पहले ही गेंद पर छक्का जड़कर ये बता दिया कि वो किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। वहीं इसके बाद कोहली ने एक जबरदस्त चौका जड़ा। वहीं फिर रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और 2 जबरदस्त चौके जड़ दिए। 5वें ओवर में तो उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन को आड़े हाथ ले लिया। इस ओवर में उन्होंने 2 चौके जड़ दिए थे, लेकिन फिर ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित एक खराब शॉट खेलकर कैच आउट हो गए। उन्होंने 14 गेंदों में 24 रन बनाए। हालांकि विराट कोहली ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और 6ठे ओवर में मिचेल सैंटनर को 1 चौका और 2 छक्के जड़कर ओवर में कुल 19 रन बटोर लिए थे। कोहली तो आज अलग ही लय में दिख रहे थे और बड़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं उन्हें 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांडे का भी बेहतरीन साथ मिला। पांडे और कोहली अच्छी लय में दिख रहे थे और देखते देखते दोनों के बीच 8 शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। फिर आखिरी 2 ओवर में भारत को जीत के लिए 26 रनों की दरकार थी, लेकिन 9वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने सिर्फ 4 रन दिए और अब आखिरी ओवर में भारत को 22 रनों की दरकार थी। और दोस्तों, ये मैच बड़ा ही रोमांचक हो गया था और फिर इस ओवर में हमें पांड्या और कोहली का तूफान देखने को मिला। ओवर की पहली 2 गेंदों पर ही कोहली ने लगातार 2 छक्के जड़े, फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक पांडे को दी और फिर ओवर की 4थी और 5वीं गेंद पर पांडे ने छक्का और 1 चौका जड़कर भारत को यह मैच जिता दिया।